अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इंडियन स्टेट ज़्यादती कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है। हम साथ में खड़े हैं मुदस्सिर भाई की फ़ैमिली के साथ और साहिल भाई की फ़ैमिली के साथ जिनको शहीद कर दिया गया है। जिस तरह से मेरे घर को टूटते हुए सभी ने देखा, पूरे मुल्क ने देखा किस तरह से मेरे घर को तोड़ा गया, उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक घर था। हम लोग फिर भी काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं। मेरा दिल दुखता है सिर्फ उस बात को सोचकर कि कितने ऐसे घर टूटे हैं जहाँ पे लोग उतने प्रिविलेज्ड भी नहीं हैं। दे हैव टारगेटेड द वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट इन ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू जनाब जावेद मोहम्मद साहिब बिल्कुल निर्दोष हैं। उनको फंसाया गया है और उनको सज़ा दी जा रही है इस बात की कि वो एक वोकल मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर हैं अलाहाबाद शहर में। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी इश्यूज पे हमेशा से काम करते आया है और इस वजह की उनको सज़ा दी जा रही है। मेरी अम्मी और मेरी बहन को इलीगली डिटेन कर पुलिस ने, प्रशासन ने ये साफ साफ वाजे कर दिया है कि वो किस ही भी स्तर तक गिर सकते हैं मुसलमानों को परेशान करने के लिए। रात में 12:30 बजे आकर मेरी माँ और मेरी बहन को पुलिस ले जाती है और अगले 30 घंटे तक उनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करती है, उनको वहां पे ह्यूमिलिएट करती है, अब्यूज करती है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे परिवार के साथ नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट जस्ट हैपनिंग टू माई फैमिली, दिस इज हैपनिंग टू मुस्लिम्स अक्रॉस इंडिया। और ये बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती और तशद्दुद किया जा रहा है। मगर हम भी ये बात वाजे कर देना चाहते हैं कि ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना हम खामोश होने वाले हैं और ना ही हम इस मुल्क से गायब होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।